नोकिया अपने जो स्मार्टफोन्स हैं बहुत कम लॉन्च करता है, और मोस्टली वो यही चाहता है कि मैं कम ही फ़ोन लॉन्च करूं, क्योंकि उनके फ़ोन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में वो बहुत ज़्यादा अपनी पहचान दोबारा से बना नहीं पाया है जो कि उसकी पहली पहचान थी। जैसे ही नोकिया की तरफ से एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है यूएस के अंदर, ये जी सीरीज़ का एक फ़ोन है। जी सीरीज़ में इससे पहले G10 और G20 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ये नोकिया G300 के नाम से न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, जिसकी जो प्राइस है वो $199 है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में अबाउट कन्वर्ट करते हैं तो अबाउट 15,000 के आसपास इसकी जो प्राइस है वो रहती है। फिलहाल अभी इंडिया लॉन्च के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कब तक लॉन्च होगा, लेकिन लेकिन आप सब जानते हैं कि जब कोई फ़ोन नोकिया ब्राज़ील में या फिर यूरोप में या फिर यूके में या फिर अमेरिका में लॉन्च करता है तो लगभग 3 से 4 महीने के आसपास बाद में उसको इंडिया में भी लेकर के आता है और लॉन्च कर देता है। तो ये फ़ोन भी हमारा इंडिया में लॉन्च तो ज़रूर होगा, क्योंकि गिने चुने फ़ोन ही है जो कि फ़िलहाल नोकिया लॉन्च करता है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नोकिया G300 के बारे में, कि डिवाइस में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, और अगर इंडिया में आती हैं तो किस प्राइस पर ये वैल्यू फॉर मनी होंगी और किस प्राइस पर ये ओवर प्राइस्ड कही जाएंगी। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहली चीज़ जो कि हमें स्मार्टफोन में दिखती है वो ये है कि दुनिया बदल जाएगी लेकिन नोकिया का डिज़ाइन कभी बदलने वाला नहीं है। जी हाँ, रियर साइड से सेम टू सेम लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, वही रिंग शेप और उसके अंदर कैमरास आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सामने की तरफ पंचोल वगैरह नहीं मिला है, इतना महंगा फ़ोन होने के बावजूद भी 15,000 में आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको नोच वाली डिस्प्ले मिली है जो कि 6.52 इंच की है, और यही नहीं, ये आपको फुल HD वगैरह भी नहीं दी गई है, केवल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, IPS HD डिस्प्ले। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो कैमरास देखने के लिए मिलते हैं वो भी इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं है, 8 मेगापिक्सल की केवल सेल्फी दी गई है जिससे आप वीडियो कॉल वगैरह और सेल्फी वगैरह क्लिक कर सकते हैं। अगर हम रियर साइड कैमरे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इतना कुछ खास इंप्रेशन छोड़ा नहीं गया है नोकिया के द्वारा। रियर साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप के साथ में आता है, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का, केवल 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। जी हाँ, इतने में तो आपको मैक्रो शूटर मिल रहे हैं इस समय इस प्राइस में, और यहाँ पर हमें केवल केवल अल्ट्रा वाइड दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, और एक 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर हमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल तो यार कर ही दिया होता अल्ट्रा वाइड, और रियर कैमरा भी इस प्राइस में, चलो 16 मेगापिक्सल है काफ़ी ठीक ठाक है, और कंपनीज भी अबाउट 48 प्रोवाइड करती हैं, 64 प्रोवाइड करती हैं, बाद में उनको पिक्सल बिनिंग करके लाना वही 12 और 16 मेगापिक्सल होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये ऑप्टिमाइजेशन कैसा कर पाते हैं, हालांकि इसके अंदर एंड्रॉयड 11 और स्टॉक एंड्रॉयड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप सब जानते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड की जो ISP है वो काफ़ी बेटर होती है, उसको अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए तो। 4GB 64GB का बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ है यहाँ पर $199 का, यानी कि आलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का, और इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 485G प्रोसेसर देखने के लिए मिला है, जहाँ पर कॉर्टेक्स की A78 6 की कोर्स हैं, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरीके से 5G कनेक्टिविटी मिल जाती है इस प्रोसेसर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आपको अंडर 15,000 एक स्नैपड्रैगन 480 वाला स्मार्टफोन मिलना, ये बहुत बड़ी बात। अगर इंडिया में भी ये अंडर 15,000 स्नैपड्रैगन 480 प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे में इनकी HD प्लस डिस्प्ले को इग्नोर किया जा सकता है, बट देखने वाली बात यह है इंडिया में ये फाइनली कब तक इसको लॉन्च करते हैं। इसके अलावा 4470 mAh की बैटरी है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो ठीक ठाक ही है, आपको इस प्राइस में लगभग इतना ही मिलता है। जो इसकी फाइनल हाईलाइट है वो इसका 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और इसकी 5G कनेक्टिविटी, दो चीज़ें ही हैं जो कि हाईलाइट हैं, जो इसके अंदर कम रही हैं। मेरे ख्याल से सेल्फी कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, अबाउट 13 मेगापिक्सल एटलीस्ट हो सकता था, वैसे तो इस प्राइस में 16 मेगापिक्सल तक मिल रहे हैं, और अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पर 8 मेगापिक्सल तो मिनिमम हो ही सकता था, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ये आपको आमतौर पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम ज़्यादा कुछ गलत फिलहाल नहीं कहेंगे। डिस्प्ले अगर हाँ फुल HD प्लस होती तो भी मे भी शायद और अच्छा लग सकता था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरे फाइनल ओपिनियन यही है कि फिलहाल ये फ़ोन ओवर प्राइज्ड है हल्का से, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की गई हैं,
बट अगर थोड़ा बहुत ये इम्प्रूवमेंट करने के बाद में या फिर इस स्मार्टफोन को 30,000 के आसपास में लॉन्च कर देते हैं इंडिया के अंदर, तब भी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।